तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम चार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीडोमीटर चार्ट। जी हाँ, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि इस तरह के स्पीडोमीटर चार्ट अलग अलग फॉर्मेट में अलग तरीके से बनता है। तो आखिर इसका कंसेप्ट क्या है, हम इस आपको जो है कंसेप्ट बता रहे हैं। हो सकता है कि मेरी चार्ट थोड़ा सा उस तरह से ग्राफिकल ना हो, लेकिन कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप ग्राफिकल कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए टाइम काफी देना होता है। स्पीडोमीटर चार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मीटर और दूसरा उसका होता है उसका जो सुई होता है, घड़ी होता है, वो मीटर बनाते हैं। तो पहला 10 होना चाहिए, फिर आपका 20 होना चाहिए, फिर 20 होना चाहिए, देन 50 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, और नीचे 100 होना चाहिए। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ये जो डोनॉट चार्ट होता है उसको ले लिया। ठीक है, ऐसा फॉर्मेटिंग अच्छा कर लीजिए, ढंग का एक फॉर्मेट ले लेता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ, ये बेटर है। ये सब चीजें आ रही है, इस पे जो लिखा हुआ है परसेंटेज, उसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। चार्ट टाइटल है तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, हो गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं आता हूँ इसकी एंगल पे, इसकी एंगल को 270 डिग्री मैं रोटेट कर देता हूँ। अब 270 डिग्री हमने रोटेट क्यों किया, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है ना आ जाए, क्योंकि हमें स्पीडोमीटर में जो सर्कल बनाना है वो तो 180 डिग्री पे बनाना है ना। लेकिन अभी तो हमारा 360 डिग्री है ना, राइट। इसलिए जो 100 हमने डाला, इसे डाला था कि चार हमारे चार्ट के दो पार्ट बन जाए, 50% में ऊपर का एरिया डिवाइडेड हो और बाकी जो 100% हो वो नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे सम कर देता हूँ, बढ़ाता हूं तो उसी हिसाब से बड़े हो जाएगा। तो इसको हम यहां लेता हूं फिल में, और फिल में मैं कर देता हूं, इस पर दो बार क्लिक करता हूं और फिल में इसको नो फिल कर देता हूं, नो फिल, और बॉर्डर में नो लाइन। नो शैडो कर दिया मैंने, शैडो लगा हुआ था। ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, और थोड़ा सा बड़ा इसको, बड़ा करता हूँ। ओके ओके। अब जैसे कि ये आपका 10 पार्ट हो गया, तो इसकी कलर रेड होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव है। तो सॉलिड फिल्म में आता हूँ, इसकी कलर रेड कर देता हूँ। ये हमारा है, ये हमारा येलो होना चाहिए, इसको हमने येलो कर दिया। ये हमको यहाँ पे हल्का सा डार्क होना चाहिए, और ये हमारा जो है ग्रीन होना चाहिए। ऐसे आप जो भी है वो बना सकते हैं कि क्या होना चाहिए। हल्की ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा चार्ट का पहला पार्ट बन गया, कि हमारा ये बन गया, क्या बोलते हैं उसको, सर्कल बन गया, स्पीडोमीटर का मीटर बन गया। मुझे इस पे जो कांटा होता है वो देना है। तो यहाँ पे उस चीज को देखिए, अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। या इसको 30 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा छोटा, तो इसको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं इसको। अब इसमें हमारा दूसरा पार्ट आता है सुई। तो पहला हमारा आता है वैल्यू, इसमें ये दो पार्ट हो गए, ये हमारा इसमें आता है वैल्यू कि भाई क्या होना चाहिए, मीट मतलब कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो वैल्यू आ गए, साइज
तो कांटे की साइज क्या होनी चाहिए, समझ गए? तो मान लीजिए वैल्यू होनी चाहिए 50, कांटे की साइज होनी चाहिए 5, इसका सम क्या हो गया? तो सम इसका हो गया 57, और मुझे इसमें इसकी सम में से इसको माइनस कर देना है ताकि ये दोनों आपस में लिंक हो जाए। क्या कर रहा हूं, इसमें राइट क्लिक करता हूं और यहां पे सिलेक्ट डेटा, और यहां हम एक ऐड करते हैं। ऐड किया, सीरीज नेम छोड़ देता हूं, कुछ ही रखता हूं। यहां पे जो वैल्यू है, इस वैल्यू को थ्री पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, और इसमें मैं ये काम कर देता हूं ना, इंडिकेटर। इसकी जो परसेंटेज वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? फिर राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ फॉर्मेट कंट्रोल में, इसकी एंगल 270 डिग्री है ही। सबसे पहले तो इसको चेन चार्ट टाइप करना होगा, चेन चार्ट टाइप में जो इंडिकेटर है उसको मैं ले लेता हूँ पाई चार्ट, ठीक है सर? पाई चार्ट ले लिया। अब पाई चार्ट लेने के बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसका एंगल 270 डिग्री कर देना है ताकि सही पोजीशन पे आ जाए। आ गया सही पोजीशन पे? हाँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरा सेलेक्ट है ना, इसको सेलेक्ट किया और इसकी जो कलर है को कर दिया नो फिल, और फिर इसको सेलेक्ट करके इसको भी कर दिया नो फिल, और शैडो भी नो शैडो करना पड़ेगा। शैडो दिख रहा है ना सर? चार टाइप में दिक्कत आ गया, अपना शैडो समय नहीं होता है, ठीक है? और इसको भी सेलेक्ट करके शैडो में नो शैडो कर दिया, हो गया। अब मैं अपने वैल्यू पर आता हूँ, 10 करता हूँ, 10 पे आ गया। इसकी जो कलर है इसको सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है सर? अब बोलिए सर, थोड़ा सा हो तो गया, यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन काफी मोटा है, तो 5 है ना, इसको 3 कर दीजिए पतला हो जाएगा, 2 कर दीजिए और पतला हो जाएगा, 1 कर दीजिए और पतला हो जाएगा, समझ गए? ओके। या फिर मैं चाहता हूं कि इसमें जो है रियल का एरो निशान हो। एरो निशान मैंने कभी डाला नहीं है क्योंकि बच्चे इससे आगे का जो काम है वो स्टूडेंट ही करते हैं। अच्छा, बस कंसेप्ट समझा दिया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। मैं सैप में आता हूं, सैप में हमारे पास एरो का पार्ट होगा, रिसेंटली यूज में थर्ड है। नहीं, मैं वो नहीं, मैं देख रहा हूँ एरो। हाँ, एरो यही है ना, रिसेंटली में थर्ड, उसके बराबर पे दोनों तरफ रहेगा उसके। आज इसकी साइज को, विड्थ को बताता हूँ, ठीक है? हो गया। अब इसकी एंगल को रोटेट करता हूँ, एड कर लिया। अब इसको कॉपी करता हूँ और इस पे सेलेक्ट करता हूँ, इस पे, और पिक्चर्स में, यहाँ पे पिक्चर्स में मैं क्लिप बोर्ड पे क्लिक करता हूँ, शैडो में आता हूँ, शैडो भी था, नो शैडो, पिक्चर्स हो गया, बॉर्डर ऑटोमेटिक सॉलिड,
नहीं पिक्चर्स नहीं होगा क्योंकि पिक्चर उस हिसाब से रोटेट नहीं कर रहा है ना, पिक्चर्स उस हिसाब से रोटेट नहीं कर रहा है, तो पिक्चर इसमें सुटेबल नहीं है, पिक्चर में कोई और थ्योरम करना पड़ेगा। सॉलिड फिल ब्लैक तो समझ में आया आपको, नहीं कि समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब इसको जो है इस बहुत सारे इसके हैं पार्ट देख रहे हैं, जैसे कि इस तरह का बनाना, इस तरह का बनाना या का बनाना, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके कितने पार्ट्स बना देते हैं। जैसे इस पे तो जरा नहीं, इसके में कितने पार्ट बनाया, इसके चार पार्ट बनाए चाहिए, दस दस का चाहिए। अब मान लीजिए दस दस का चाहिए, चलिए दस दस वाला मैं दोबारा समझा देता हूँ। दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर, नहीं तो गैपिंग ज्यादा हो जाएगा, दस का ही दस हंड्रेड आ गया और फिर यहाँ पे हंड्रेड सम कर देते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और हम यहाँ पे डिनाउंस बना देते हैं, हो गया सर। राइट, तो हम यहाँ से हटाते हैं इसको, थोड़ा डिलीट करते हैं, एक मिनट। अब इसको इस तरह से नहीं बनाना है, यहाँ पे टेक्स्ट कर देना है हमको फॉर्मेट सेल, नहीं इसको बाद में करते हैं, इसका मैं 10 20 30 इस तरह से तो इस पे सेलेक्ट करके हमने क्या किया, इंसर्ट चार्ट, डोनट चार्ट बनाया, डोनट चार्ट ठीक है। फिर हमने डिलीट किया, चार्ट टाइटल को डिलीट कर दिया, इसके बाद इसको हम यहाँ सेलेक्ट किए और इसकी एंगल को 270 डिग्री कर दिया, फिर नीचे इस पे डबल क्लिक किए नीचे वाले को, ने क्या किया इसको नो फिल कर दिया, नो फिल गया। इस पे राइट क्लिक किया और हमने किया ऐड डेटा लेबल, तो इस पे डबल क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। इसमें डेटा लेबल में आप देख रहे हैं कि सब में 10-10 ही है, तो हम इस डेटा लेबल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डेटा लेबल में फॉर्मेट है लेबल्स ऑप्शन, तो वैल्यू अब इसमें होगा, राइट क्लिक करके मुझे करना होगा सिलेक्ट डेटा और 1 2 3 है उसको एडिट करके मुझे इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसके ये जो वैल्यू ऑप्शन है उस पर आऊंगा और यहाँ लेबल ऑप्शन में वैल्यू को हटा के कैटेगरी नेम डाल दिया। ओके, अब इसके आगे का जो यहाँ पे जो किया है वो कर सकते हैं वैल्यू लगा, समझे, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हमारी साइज हो जाएगी, साइज के बाद हम जो वैल्यू और लिखेंगे उसमें हम सम करते हैं और वो सम माइनस होगा 200, या फिर डायरेक्ट इसको सम कर दीजिए ना, ये आपका मान लीजिए 50 हो गया और यहाँ पे मेरा साइज मान लीजिए 3 का हो गया। राइट क्लिक करके हम करेंगे सिलेक्ट डेटा, हम ऐड इसमें ऐड पे क्लिक करते हैं इंडिकेटर और यहाँ जो है हम इसको सेलेक्ट कर ले, आ गया, तो सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले चेन सीरीज चार पाई और डेट आउट के जगह पे मैं इसको दे देता हूँ पाई, ठीक है। और पाई में हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फिल में नो फिल
इसको सिलेक्ट किया, नो फेल, नो फेल। लेकिन अभी एक बाकी है, क्या बाकी है? एंगल, एंगल 70 डिग्री। ये अभी जो 270 डिग्री तो कर दिया, रखिए 50 पे नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। 80 करके देखता हूँ। सही है। तो एंगल को इसी हिसाब से सेट करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसकी बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर को नो बॉर्डर और सॉलिड फिल में ब्लैक कर दिया और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देता हूँ ताकि पीछे का दिखे कि क्या है। ठीक है सर। ओके, अब यहाँ पे मैं 60 करता हूँ, 60 पे चला गया, करता हूँ 70 में गया, 80 करता हूँ, 80 पे जा रहा है, 85 किया तो हल्का सा आगे बढ़ा, 90 किया तो 90 में चला गया सर। यस सर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, इस तरह का बनाना तो ये चीजें भी की जा सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको तिगड़म करना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रोसीजर है, किस तरह का सिस्टम यूज किया जाता है, वो तो समझ गया आपको ना सर। अब बोलेंगे सर इसमें इसने गोल नीचे गोल कैसे लगा दिया, ठीक है ना? राइट। तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आप चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप एक सर्कल ले लीजिए और सर्कल डिजाइन कर दीजिए, ठीक है? और इसकी जो है थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 10 और सर्कल बड़ा कर लीजिए। ठीक है। इसमें और भी इसमें फॉर्मेटिंग इसमें हो सकती है, पॉइंट एक्सप्रेशंस को बाहर निकल गया। माइनस करने जाता हूँ और इसके बाद इसके और भी बहुत शैडो वगैरह है ना, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसमें रिफ्लेक्शंस हैं, ग्लो है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज आप एक बार इसको करके देखिएगा, ठीक है? ओके। तो आज की क्लास में हमने स्पीडोमीटर के बारे में जाना। यस।